दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई सूर्य हॉस्पिटल राजा का तालाब। यहाँ पर हर बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए 7696307219 पर संपर्क करें। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई राणा फास्ट फूड एंड स्वीट शॉप बरमाड। यहाँ पर हर प्रकार के बर्गर, समोसे, आलू टिक्की, नूडल, वेज सूप, चीज चिल्ली व हर प्रकार के किस्म की बढ़िया मिठाइयाँ भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 7876257265। अधिक संपर्क करने के लिए 8219520537 पर संपर्क करें। जसवा प्रागपुर बीच की ग्राम पंचायत रीढ़ी कुठेड़ा की चौकी दी बड़ में स्थित सिद्ध चानो मंदिर में जप विकास परिषद के कैप्टन संजय प्राशन के तत्वाधान में एक दिवसीय फ्री मेडिकल कैंप में 63 गांवों के 1150 गरीब परिवारों से संबंधित लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जांच करवाई। चिकित्सा शिविर में महामंडलेश्वर महंत सतीश वत्स महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जसवा प्राकुर बिस्क क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्र में जप विकास परिषद द्वारा आयोजित मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य की निशुल्क जांच को सकारात्मक पहल करार दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे सामाजिक कार्य में संतों का सहयोग एवं आशीर्वाद जनता को मिलता रहेगा। जप विकास परिषद के चेयरमैन कैप्टन संजय प्राशर व कमेटी के सदस्यों ने महामंडलेश्वर महंत सतीश वत्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जप विकास परिषद के चेयरमैन संजय प्राशर ने कहा कि समाज सेवा करना एवं क्षेत्र की गरीब जनता को घर से नजदीक ही योग्य चिकित्सकों द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करवाना कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जसवा प्रागपुर बीच क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का शिकार है तथा लोगों को पंजाब प्रांत में महंगी दरों पर मजबूरन स्वास्थ्य की जाँच करवानी पड़ती है। चिकित्सा शिविर में नेत्र, कान, दांत, हड्डी रोगियों की निःशुल्क जाँच की गयी। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमनदीप सिंह व डॉक्टर चरणजीत सिंह, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय जरियाल व डॉक्टर धनश्री, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा कौशल, एसडी पब्लिक स्कूल के निदेशक राजेंद्र शर्मा व युवा समाज सेवी शुभम, रविंदर सिंह, प्रीतम सिंह, सिद्ध चानो मंदिर कमेटी के प्रधान जोगिंदर सिंह, प्रधान आशा रानी, सतवीर सिंह, शविंदर डिंटी, सतपाल व जालिंग सिंह सहित 182 स्वयं सेवियों ने सेवाएं प्रदान की। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 458 मरीजों को एनके तथा 103 कान रोगियों को हेयरिंग मशीन में निःशुल्क बांटी गई। 74 रोगियों की ईसीजी, 50 दस रोगियों तथा 20 स्त्री रोगियों की जांच एवं दवाइयां निःशुल्क दी गई। 147 आंख रोगियों को ऑपरेशन के चयनित किया गया। आंख रोगियों का ऑपरेशन करोड़ आई अस्पताल जलंधर में शनिवार, मंगलवार तथा वीरवार को किया जाएगा। हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के लिए डाटा सिबा से सुशील कुमार की रिपोर्ट। और जहाँ से हम व्हीकल के द्वारा उनको जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करना है उस हॉस्पिटल में पहुँचाया जाएगा और वैसे बाई वित्त घर में छोड़े जाएंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। जो भी इधर काम किया है, हमारे पास कम से कम 150 वॉलंटियर थे जिन्होंने इस कैंप के बीच में हिस्सा लिया है और कैंप के बीच में हर मरीज के लिए लंगर का प्रोग्राम रखा हुआ था, चाय का प्रोग्राम रखा हुआ था, कॉफ़ी का प्रोग्राम रखा हुआ था और कैंप के बीच में हर मरीज के लिए लंगर का प्रोग्राम रखा हुआ था, चाय का प्रोग्राम रखा हुआ था, कॉफ़ी का प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मैं जे दोबारा फिर कैप्टन संजय प्राथर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कैंप हर 10 या 15 पंचायत के बीच में एक कैंप ऑर्गेनाइजेशन करें, जो कि दुनिया को इस कैंप की मौका मिले और अपनी बीमारियों से जो ग्रस्त हैं उनको ठीक होने में मदद मिले, क्योंकि हमारे इलाके में गरीबी भी है जो कि अच्छे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते हैं, उनको पहुँचाने में आप मदद करें।
आपका मैं इतना ही विराम देता हूँ, यहाँ पर इतना ही विराम देता हूँ। और कैप्टन संजय प्रासद जी के सजन्य जो कैंप लग रहा है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।